नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। विकास नगर में तहसील प्रशासन की टीम और खनन विभाग की टीम के द्वारा अवैध भंडारण पर ताबड़तोड़ कार्रवाई से बौखलाया खनन माफिया। बताते चले कि विकास नगर के नवाबगढ़ में खनन माफियाओं ने अवैध भंडारण कर रखे थे, जिस पर खनन विभाग तहसील प्रशासन की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई। वहीं SDM विकास नगर विनोद कुमार के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। तहसीलदार और खनन विभाग से अधिकारी पीयूष इस कार्रवाई में मौजूद रहे। आपको यह भी बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए सभी पुलिस के अधिकारियों को भी निर्देशित कर रखा है कि अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस के द्वारा भी रात्रि में दर्जनों डंपर सीज किए गए। इस कार्रवाई से खनन माफिया बौखलाए हुए हैं। आपको यह भी बता दें कि नवाबगढ़ में इस्तकार उर्फ रिंकू के अवैध भंडारण पर भी कार्रवाई की गई। वहीं उत्तराखंड जल विद्युत निगम के अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। बताते चले कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की जमीन पर भी लोगों ने अवैध भंडारण कर रखे हैं। तहसील विकास नगर के अंतर्गत जो विभिन्न जगहों के लोगों के द्वारा ये स्टोरेज किए गए हैं, जो सूचना प्राप्त हुई है उसके आधार पर जिन जिन जो लोकेशनों पे बताया गया है उनके छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और जिन लोगों के द्वारा ये अवैध रूप से भंडारण किया गया है उनको चिन्हित किया जा रहा है। उनके चालानी कार्रवाई के साथ अन्य कार्रवाई में अमल किया। सर, पहले भी इस प्रकार की यहाँ पर कार्रवाई हुई है आपके द्वारा, लेकिन फिर से जो अवैध भंडारण का काम चला देते हैं तो क्या ऐसे लोगों पर कोई ठोस कार्रवाई की जाती है? अभी ये जो जिन लोगों ने किया है और पूर्व में भी जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अगर हैबिचुअली व्यक्ति लगातार एक ही स्टोरेज कर रहा है और नहीं मान रहा है तो उसके खिलाफ और सुसंगत धाराओं पर मुकदमे प्रकरण में शामिल जो लोग हैं क्या मुकदमे दर्ज किए जाएंगे उनके खिलाफ? अभी ये आइडेंटिफाई किया जा रहा है कौन कौन लोग हैं और किन किन का इतिहास क्या है, उसके आधार पर आगे। सर, ऐसे कितने भंडारों पर भी कार्रवाई होगी? सर, अभी फिलहाल हमने 3 भंडारों पर कार्रवाई की है और आगे ये कार्रवाई जारी रहेगी। सर, किस किस के भंडारों कुछ पता लगा? एक ये अभी नवाबगढ़ में बताया गया था, कोई दिलसाद है उनका था, और इन 2 जगहों पे 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जो पूरी जानकारी सामने आएगी तो आगे भी कार्रवाई चलेगी। सर, अभी ये जारी।